सो फाइनली दोस्तों Realme 2 और Realme C1 में ColorOS 5.2 का जो है अपडेट आ चुका है, ऑफिशियली जो है आपके मोबाइल में आ चुका है। तो चलिए एक इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको नए इस अपडेट के साथ मिलने वाले हैं आपके Realme 2 और Realme C1 में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, बात करते हैं हमारे नए अपडेट की। तो Realme C1 और Realme 2 में काफ़ी समय पहले जो है अपडेट आ चुका था, लेकिन वो आपको अपने आप ऑफिशियल नहीं किया था जो है Realme ने। तो ऐसे में अभी जो है ये आपके मोबाइल में ऑफिशियली आ चुका होगा। आप अपने मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगा कि कैसे आपको अपडेट करना होगा और कहाँ पे आपको मिलेगा ये अपडेट। ये अपडेट सिर्फ 475 MB का, 475 MB का। अगर आप अलग से पहले जो करते थे अपडेट 5.2 का, तो आपको मिलता था 3 GB का, 2.3 GB का, 2.3 GB का अपडेट मिलता था। लेकिन अभी आपको सिर्फ 475 MB का अपडेट है, वो आपको कर लेना है। और इसके साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास जो है Realme का C1 मोबाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें पहला फीचर जो मिलता है, हमें जो है 5 दिसंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है हमें। और दूसरा फीचर दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सिंगल स्वाइप नोटिफिकेशन का आपको फीचर मिल जाता है, आप सिंगल स्वाइप से ही नोटिफिकेशन को हटा सकते हैं। और दूसरा जो आपको मैं आपको, कैमरा में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, कैमरा में सिर्फ एक और फीचर नया डाला गया है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वो फीचर है। तो यहाँ पर जब आप अपने सिस्टम ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप कैमरा में अपना फोटोग्राफर का नाम डाल सकते हैं, यानी कि अपना नाम डाल सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने नाम का। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना नाम एंटर कर सकते हो, मैंने ये बेसिकली नहीं लगा के रखा हुआ। तो यहाँ पर ये फीचर जो है इसमें आए थे। और यहाँ पर एक और फीचर है साइड में स्लाइड बार का, यहाँ पर एक छोटा सा स्लाइड आपको स्लाइड बार दिख रही होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऐसा कुछ आपको स्लाइड बार देख रही होगी साइड में, इसमें आप कुछ भी ऐप्स थोड़े बहुत रख सकते हैं जो कि आपको ज़रूरत होती है कि आप इंस्टेंटली चलाना चाहते हो। तो गाइस यहीं था आज किस वीडियो में, तो यहीं ये फीचर 5.2 में आए थे ColorOS 5.2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही वीडियोज़ रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले।